हेलो बच्चों, आपके जो इससे पहले वाला वीडियो था इसमें हमने क्लोरोप्लास्ट स्टार्ट कर दिया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसका इस वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट का बायोजेनेसिस, इसके फंक्शंस और C4 पाथवे में क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार से होता है वो हम देखेंगे। पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी कलाबद्ध इकाई कलायुक्त दोहरी कलायुक्त संरचना है, जिसकी अल्ट्रास्ट्रक्चर में दोहरी कलाबद्ध बाह्य खोल यानी कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड एनवलप, स्ट्रोमा यानी कि कणिकीय पीठिका, लैमिलर सिस्टम यानी कि पटली की तंत्र, DNA, RNA तथा राइबोसोम्स एंड लास्ट में ऑस्मोफिलिक ग्रैन्यूल्स या प्लास्टोग्लोबुलाई, ये संरचना इनसे मिलकर ही बना होता है हरित लवक, ये मैं बता चुकी थी। और इसके जो भाग हैं उनको बता चुकी थी कि ये विभिन्न प्रकार का होता है और ये इन भागों से मिलकर बना होता है, स्ट्रोमा, थाइलाकॉइड्स, ग्रेनम, आउटर एंड इनर लेयर, फ्रेट चैनल, ये सब इसके ही पार्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि C4 पादपों में किस तरीके से पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। C4 पादपों में जैसे कि ये C3 और C4 तीन प्रकार के प्लांट्स, सॉरी दो प्रकार के प्लांट्स हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है C3 में अलग होता है थोड़ा सा, C4 में अलग होता है। तो कई पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो निर्मित प्रथम स्थायी पदार्थ है चार कार्बन युक्त होते हैं, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड, मैलिक एसिड इत्यादि, इसीलिए इन पादपों को C4 पादप कहा जाता है। बाकी पादपों में तीन कार्बन युक्त जो बनता है प्रथम स्थायी पदार्थ होता है, इसलिए उनको C3 प्लांट कहा जाता है। बाकी ये जो पौधे होते हैं इनको हम C4 प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रथम स्थायी पदार्थ है वो है चार कार्बन युक्त, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड। अब इसके एग्जांपल के लिए जैसे कि मक्का, गन्ना, गेहूं, चावल, ज्वार और कुछ ग्रासेस यानी कि घासें और कुछ द्विबीजपत्री जैसे कि अमरंथसी व चिनोपोडियसी कुल के कुछ पादप। C4 पादपों की पर्णों में क्रांज अनाटमी पाई जाती है, ये आपने सुना होगा नाम कि क्रांज अनाटमी पाई जाती है, क्रांज अनाटमी। और इसमें कैसी रहती है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं क्रांज अनाटमी, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे क्रांज उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए उनका उन्हीं के नाम के नाम पर ये नाम दिया गया है इस अनाटमी का। अनाटमी या अंदर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्रांज अनाटमी कहलाती है लीव्स की। इनमें सघन पुल के चारों ओर बड़ी पर्णमध्योतक कोशिकाओं का घेरा होता है। पर्णमध्योतक यानी कि मेसोफिल सेल्स, वो चारों ओर तो ये है और इसे बंडल शीथ कहते हैं। बंडल शीथ आच्छित की कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट सामान्य स्पंजी मृतोदक कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट से भिन्न रचना वाले होते हैं। आच्छित कोशिकाओं में हरित लवक बड़े तथा ग्रेना रहित होते हैं तथा इनमें काफ़ी संख्या में स्टार्च के कण पाए जाते हैं। प्रथम सामान्य पर्ण मध्योतकों में उपस्थित छोटे व ग्रेना युक्त क्लोरोप्लास्ट तथा द्वितीय पूल आच्छित की कोशिकाओं में उपस्थित बड़े व ग्रेना रहित क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। तो ये जो है इसकी क्रांज अनाटमी है C4 पादपों की, कि वो किस प्रकार से जो क्लोरोफिल है वो व्यवस्थित रहता है, वास्कुलर बंडल, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स। तो ये अलग थोड़ी सी कैटेगरी या अलग थोड़ी सी संरचना C4 पादपों में पाई जाती है। अब हम देखते हैं बायोजेनेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो प्लास्टिड्स है उनका किस प्रकार से जैव जनन या उत्पत्ति हुई है वो हम देखेंगे, लवकों या हरित लवकों की बायोजेनेसिस या ओरिजन। कोशिका में विभिन्न प्रकार के लवकों जैसे कि अवर्णिकी लवक, वर्णी लवक व हरित लवकों का जन्म
प्रोप्लास्टिड से होता है। प्रोप्लास्टिड यानी प्राकलवकों, यानी कि प्लास्टिड्स की पूर्व संरचना। प्रोप्लास्टिड्स अत्यंत सूक्ष्म दोहरी कला में पुटिकीय रचनाएं होती हैं, जिनकी स्वयं की उत्पत्ति भी मतलब कैसे होती है ये अभी तक मालूम नहीं चला है साइंटिस्ट को। इनमें अपेक्षाकृत सघन भरण पदार्थ भरा रहता है। प्रोप्लास्टिड्स की भीतरी कला में, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, प्रोप्लास्टिड्स की भीतरी कला में कुछ अंतर्वलन होते हैं, जबकि बाहरी कला समतल होती है। प्रोप्लास्टिड्स के आकार में बढ़ोतरी के साथ साथ भीतरी कला के अंतर्वलनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इससे लवकों के भीतर पटलिकीय तंत्र लमिलर सिस्टम स्थापित हो जाता है। प्रोप्लास्टिड से सर्वथम ल्यूकोप्लास्ट बनता है, जो प्रकाश की उपस्थिति में परिवर्तित होकर क्लोरोप्लास्ट बनाता है और क्लोरोप्लास्ट से अंत में क्रोमोप्लास्ट बन जाता है। कई बार तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में प्रोप्लास्टिड से सीधे ही क्लोरोप्लास्ट बन सकता है, क्योंकि लाइट में ही एकदम से रिएक्ट करता है और क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। हालांकि जो प्रोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट व अन्य लवकों का बनना देखा गया है, लेकिन फिर भी कोशिकाओं में हरित लवों के सेल्फ जेनेसिस को हम देख सकते हैं, क्योंकि कोशिकाओं में क्योंकि खुद ही सेल्फ रेप्लिकेटर ट्रांसक्रिप्टेड ऑर्गन है ये, क्योंकि इसमें खुद का डीएनए आरएनए पाया जाता है, खुद ही प्रतिकृतिकरण अनुलेखन में सक्षम होता है, खुद के उसमें एंजाइम्स को एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित डीएनए इस लवक को स्वजनन की योग्यता प्रदान करता है, अतः एक क्लोरोप्लास्ट विभाजन यानी कि फिशन विभाजन द्वारा दो क्लोरोप्लास्ट बना देता है। ये देखिए, इसे ही वर्तमान में क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति को दो विधियों से माना जाता है। एक तो प्रथम तो हमने बता ही चुके हैं कि प्रोप्लास्टिड से, दूसरा स्वजनन यानी कि फिशन या विभाजन द्वारा, अपने आप ही विभाजित होता है वो और एक से दो में बट जाता है। और जो और भी प्लास्टिड्स हैं वो जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती है वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, हो सकती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट से प्रोप्लास्टिड, प्रोप्लास्ट इटियोप्लास्ट डार्क में, और लाइट आएगी तो क्लोरोप्लास्ट में। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। हरित लवकों का जो मुख्य लक्षण है, मतलब मुख्य कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण, जैसा कि हम सभी जानते हैं मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर कार्बोहाइड्रेट्स का उत्पादन करना है। प्रकाश संश्लेषण दो चरणों में संपन्न होता है, दो प्रकार से क्रिया होती है इसकी। इन्हें प्रकाश अभिक्रियाएं यानी कि लाइट रिएक्शन तथा डार्क रिएक्शन यानी कि अंधकार की अभिक्रियाएं कहते हैं। एक तो लाइट रिएक्शन है, प्रकाश अभिक्रिया जो कि प्रकाश में होती है, लाइट में होती है, सूरज की रोशनी में होती है। दूसरी डार्क रिएक्शन, जब सनलाइट नहीं मिल रही होती है तो छाया में होती है। प्रकाश अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में होती है, ग्रेनम जो है ना, इनके अंतर्गत सूर्य की विकिरण ऊर्जा को एटीपी तथा अपचय कार्य शक्ति रिड्यूसिंग पावर यानी कि NADPH2, एक तो ATP है और एक NADPH2 के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसमें सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है उसको ATP और NADPH2 के रूप में परिवर्तित किया जाता है। NADPH2 रिड्यूसिंग पावर है और ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एनर्जी है। ATP तथा NADPH2 को सम्मिलित रूप से एसिमिलिट्री पावर कहते हैं, स्वांगीकारी शक्ति कहते हैं। इन पदार्थों का उपयोग अंधकार अभिक्रियाओं में किया जाता है। अंधकार अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। इनके अंतर्गत ATP व NADPH2 व कई एंजाइमों की सहायता से CO2 का अपचयन होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण होता है। तो मेन
जो है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस, इनका मेन फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल का। हरित लवकों की उपस्थिति, हरित लवकों में जो उपस्थित क्लोरोप्लास्ट डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स है या राइबोसोम्स है, इन ये क्या करते हैं, इनके द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम्स व इलेक्ट्रॉन वाहकों का संश्लेषण किया जाता है। मतलब इसमें जो डीएनए है प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट में, वो क्लोरोप्लास्ट डीएनए आरएनए इनका इलेक्ट्रॉन वाहकों का संश्लेषण करते हैं। अब हम देखते हैं ऑटोनॉमी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि स्वायत्तता किस प्रकार से होती है। कोशिका में किसी भी अंगक की स्वायत्तता के लिए इसमें मुख्यतः 5 घटकों की उपस्थिति आवश्यक होती है। एक तो डीएनए आर डी ये है डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए तथा राइबोसोम्स व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अन्य सुविधाएं। क्लोरोप्लास्ट में सभी घटक और परिस्थितियां उपस्थित होती है। इनमें वलयाकार डीएनए के 15 से 30 अणु, अनेक राइबोसोम्स, आरएनए व एंजाइम्स आदि के अणु पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट डीएनए अणु की पररेखीय लंबाई यानी कि कंटूर लेंथ लगभग 40 माइक्रोन होती है। इसकी जो लंबाई है वो 40 माइक्रोन होती है। आर एलिथ ने, जो साइंटिस्ट थे, पृथक्कृत हरित लवकों में आवश्यक प्रोटीनों के संश्लेषण को भी दिखाया है, जो इन लवकों की स्वायत्तता का ठोस प्रमाण है। क्लोरोप्लास्ट में संश्लेषित होने वाले कौन कौन से प्रोटीन हैं? फ्रैक्शन 1, प्रोटीन की वृहद उपकाइयाँ, पटलिकीय तंत्र के 5 अज्ञात प्रोटीन्स तथा 2 या 3 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला युक्त प्राथमिक संरचना। तो ऑटोनॉमी से रिलेटेड ये क्लोरोप्लास्ट की संश्लेषित होने वाले प्रोटीन है। तो बच्चों, ये तो थी क्लोरोप्लास्ट की ऑटोनॉमी, बायोजेनेसिस किस प्रकार से होता है और सी4 पादपों में किस प्रकार से पाया जाता है। और इसके हमने फंक्शंस भी देखे कि किस प्रकार से ये प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाता है। मेन काम इसका प्रकाश संश्लेषण का है। बाकी ये एक ऑटोनॉमस या ऐसे ऑटोनॉमस ऑर्गन भी है जो अपनी ग्रोथ स्वयं करता है। आगे की वीडियो में हम इसकी जो इन क्लोरोप्लास्ट से इनहेरिटेंस, एक्चुअल में क्या इनहेरिटेंस, तो डीएनए जिम्मेदार है उसके लिए, तो डीएनए आरएनए, लेकिन क्लोरोप्लास्ट किस प्रकार से अनुवंशागति क्लोरोप्लास्ट से लवकों से किस प्रकार से होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों। बाकी की जो वीडियो है नेक्स्ट, उसमें हम देखते हैं कि उसकी वंशागति किस प्रकार से होती है। थैंक यू बच्चों।